उर्दू मराठी साहित्य परिषदेतर्फे मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। उर्दू मराठी साहित्य परिषद व इंडियन यूथ असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार मुरलीधर शिंगोटे, उर्दू दैनिक मुन्सिफचे संपादक खान अब्दुल लतीफ, उर्दूचे ज्येष्ठ कवी गुलजार दहलवी, मुक्त महिला पत्रकार व क्षमा मासिकेची संपादिका सादिया दहलवी यांना उर्दू मराठी साहित्य परिषदेतर्फे श्रद्धांजली वाहण्यात आली। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राध्यापक डॉक्टर तांबोळी होते। यावेळी इंडियन यूथ असोसिएशनचे अध्यक्ष अबू बकर नल्ला मंदू यांनी प्रास्ताविकेत कार्यक्रमाची माहिती विशद केली। या कार्यक्रमास प्राध्यापक डॉक्टर तांबोळी, पत्रकार अल्ताफ कडकाले, ग्रंथपाल संघटनेचे जाफर बांगी, इंडियन यूथ असोसिएशनचे संस्थापक अय्युब नल्ला मंदू, सोलापूरचे चित्रकार व ऍक्ट ग्रुपचे अध्यक्ष सय्यद इकबाल, इलियास शेख सर, शकील शेख, अल्ताफ शेख, मजहर अल्लोळी आदी उपस्थित होते। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी फ्रीलांस जर्नलिस्ट सादिया दहलवी साहिबा, रोजनामा मुन्सिफ के एडिटर खान अब्दुल लतीफ साहब और दैनिक पुण्यनगरी के सन्मान्य शिंगोटे साहेब, हास्य व्यंग कवि शायर राहत इंदोरी साहब, नंदलाल किशोर उर्फ गुलजार दहलवी, ये आज हमारे बीच नहीं रहे। इनके कारनामे, इनकी खूबियाँ, इनका अदब, इनका लिटरेचर, इनका साहित्य आज हमारे मौजूद है। उन्हें पढ़ना, उन्हें उजागर करना, इस नीयत से आज हम उनके कारनामों को याद करने के लिए खिराज हकीकत का ये प्रोग्राम इंडियन एसोसिएशन और उर्दू मराठी साहित्य परिषद के तरफ से लिए हैं। आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर ईजा तांबोळी साहब हैं और मैं दरख्वास्त करता हूं ईजा तांबोळी साहब से कि वो दैनिक पुण्यनगरी के बुजुर्ग सहाफी पत्रकार शिंगोटे साहब के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश करें। ताजा बातम्यांसाठी लोकप्रधान चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।